हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल विथ द हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें कोई एक वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ पे इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? ax प्लस बी। ए और बी यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स हैं और x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पे एक टर्म आई है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? उससे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 और कंटिन्यू आगे तक जाते जाएंगे। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक आएंगे। और इसमें मेन बात ये याद रखनी है कि इसमें 0 इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्टिंग होती है और होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग होती है। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं सारे नेगेटिव से स्टार्ट होंगे और पॉजिटिव तक जाएंगे, वो क्या होंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? होल नंबर भी आ जाएंगे और नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे। अब है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पी अपॉन क्यू मतलब इनको 8/2 या फिर 2/3 इस तरह भी लिखा जाता है, या फिर कोई पॉइंट की फॉर्म में हो वो भी किस में आएंगे? रेशनल नंबर्स में आएंगे। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर या तो कोई वैल्यू क्या हो, पाई में हो या फिर कोई वैल्यू रूट में हो, जैसे √2, √18, √3, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सब किस में आते हैं? ये सब रियल नंबर्स में आते हैं। तो यहाँ जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं ax प्लस बी, इसका मतलब है a और b की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और x क्या होगा? यहाँ पे वेरिएबल होगा जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन हम बोलते किसको हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया 3 + x इज इक्वल्स टू 7। जब हम x की वैल्यू ऐसे लेंगे कि उसको 3 में ऐड करने पर वो 7 हो जाए तो वो क्या होगी? ट्रू इक्वेशन होगी। अगर ये हमने x की वैल्यू कोई ऐसे ले ली जिनको ऐड करने पर 7 नहीं आ रहा है तो वो होगी फॉल्स इक्वेशन। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? लीनियर इक्वेशन के। कोई भी इक्वेशन हम जब बनाते हैं तो उसमें मेन बातें क्या याद रखनी होती है कि एवरी इक्वेशन हैज़ टू साइड। कोई भी इक्वेशन हो वो तभी बनती है जब उसके दो साइड हो, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला और राइट हैंड साइड इधर वाला, ठीक है। सेकंड बात क्या है कि वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन हो उसमें क्या होंगे? वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड होंगे। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। यहाँ पे भी क्या है? x है। और उन वेरिएबल्स को हम डिनोट किससे करेंगे? कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम उनको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट बात हमें क्या याद रखनी है कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ले रहे हैं तो उसमें वेरिएबल्स क्या होंगे? एक होंगे और उनकी पावर क्या होगी? एक होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। रूट्स किसको बोलते हैं हम? जब वेरिएबल की जगह हम ऐसी डिजिट रखें, ऐसा नंबर रखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन का रूट। हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड कौन सी हो गई? x प्लस 1। राइट हैंड साइड कौन सी हो गई? 4। अब हम x की जगह क्या पुट करें कि वो 4 के इक्वल हो जाए? तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि x की जगह डायरेक्ट 3 रख दो, क्योंकि आपको पता है 3 + 1 क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ से दोनों क्या होगी? इक्वेशन इक्वल हो जाएगी।
जब आप ऐसे कोई डिजिट आ जाए कि आपको तुरंत पता नहीं चल रहा हो कि इसमें क्या ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 4। जब ये प्लस का 1 है, ये इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस की डिजिट माइनस में हो जाती है और माइनस की डिजिट प्लस में हो जाती है। तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। मतलब एक्स क्या है? वेरिएबल है। इसकी जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएगी। हमने 3 पुट किया, 3 प्लस 1 क्या आ गया? 4। तो 4 इक्वल टू 4 आ गया। मतलब आपकी इक्वेशन सही है। तो इसको बोलते हैं हम रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमने एग्जाम्पल लिया एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 7। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका पहला मेथड है कि एक्स के बाद जो वेरिएबल है, ठीक है, उसको अपोजिट साइन में लेके दोनों तरफ ऐड कर दो। जैसे एक्स यहाँ पे क्या है? माइनस 4, तो हम इसमें प्लस 4 ऐड कर देंगे और इधर भी प्लस 4 ऐड कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो माइनस 4 और प्लस 4 क्या होते हैं? आपस में कट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप 4 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड में एक्स बचा। 7 प्लस 4 कितने होते हैं? 11। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? 11। मतलब एक्स की जगह जब हम 11 रखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमको 7 मिलेगा। कैसे? चेक करते हैं। एक्स की जगह हमने 11 रखा, देन -4 इज इक्वल टू 7। जब हम 11 में से 4 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 7 मिलता है। यहाँ भी क्या है? 7। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हम, ये पहला मेथड है जिससे हम इनको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने सेकंड एग्जांपल लिया है सॉल्व एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 10। अब हम इसमें सेकंड मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा? कि अगर वेरिएबल के बाद डिजिट प्लस में हो तो दोनों साइड वो ही डिजिट माइनस कर देंगे। कैसे? एक्स प्लस 2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है, इसके बाद प्लस 2 है, तो अब इसमें हम -2 कर देंगे और 10 के साथ भी क्या कर देंगे? -2 कर देंगे। 2 माइनस 2 क्या हो जाएंगे? 0। मतलब ये कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा? एक्स। 10 माइनस 2 क्या होता है? 8 होता है। तो अगर हम एक्स की जगह 8 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 8 प्लस 2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 8 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो 10 इक्वल टू 10, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर वेरिएबल के बाद माइनस में डिजिट हो तो उसको, उसी डिजिट को प्लस कर देंगे दोनों साइड, और अगर प्लस में हो तो उसी डिजिट को माइनस कर देंगे दोनों साइड। तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब हम देखेंगे तीसरा मेथड क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है x/2 = 5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वेरिएबल के अपॉन में जो डिजिट है, वेरिएबल के अपॉन में जो नंबर है, उसी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? x/2 = 2। एक्स के अपॉन में क्या था? 2 था, तो हमने 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2। जो इधर करेंगे वो ही इधर ऑपरेशन करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि अपॉन में है। ये 2 क्या है? इसके मल्टीप्लाई में है, और ये 2 क्या है? अपॉन में है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा? एक्स। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 10 होता है। तो मतलब अगर हम एक्स की जगह 10 रखेंगे तो राइट हैंड साइड में 5 आएगा। चेक करते हैं। हमने किया, चेक किया। कैसे? एक्स की जगह हमने 10 पुट किया, अपॉन में 2। राइट हैंड साइड में क्या था? 5 था। जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। ये इक्वेशन भी हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट
सिंपल है हमारे पास, 5x इज इक्वल्स टू 10। एक्स क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना है, इसका अपोजिट करना है। अगर कोई वेरिएबल के मल्टीप्लाई में हो तो हम उसी नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड में हो तो हम उसी नंबर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, 5x का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में डॉट है, 5 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम 5x अपॉन 5 कर देंगे, क्योंकि वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर है, 5, इक्वल टू 10। अगर यहाँ 5 से डिवाइड करवाया है तो यहाँ भी क्या करवाएंगे, 5 से डिवाइड करवाएंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गए, क्या बचा, x बचा। यहाँ पे जब 10 को 5 से डिवाइड करवाते हैं क्या आता है, 2 आता है। तो अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, 5 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई का साइन नहीं दे रखा, लेकिन 5 और x आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू 10। तो जब हम 5 के टेबल बोलेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। ये हो गया हमारा 5th मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 0.2x इज इक्वल्स टू 0.24, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0.2 क्या है, x के मल्टीप्लाई में है, तो इसके डिवाइड में भी क्या कर देंगे, 0.2। राइट हैंड साइड में भी हम क्या करेंगे, 0.24 अपॉन 0.2, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 0.2 से 0.2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, x बचा। यहाँ पे दोनों डिजिट क्या है, पॉइंट्स में है। अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ज़ीरो, जब हम इनको पॉइंट्स हटा देते हैं, ठीक है, तो 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, दो डिजिट थी, तो अपॉन में क्या आ जाएंगी, 100। पॉइंट जब हटाते हैं तो उसके बाद वाले डिजिट जितनी होती है उतने ही ज़ीरो लगा देते हैं। नीचे क्या था, 0.2 था, पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो ऊपर क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। जब हम इसको 2 से डिवाइड करवाते हैं तो क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। अपॉन में क्या है, 10 बच रहा है अभी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जैसे हमने यहाँ किया था कि अगर 0.2 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो क्या हो जाता है, अपॉन में 10 लग जाता है। अब इसके अपॉन में 10 है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, एक डिजिट के बाद लग जाएगा। आंसर क्या आ गया, 1.2 आ गया। चेक, अब हमारे पास एक अलग टाइप का एग्जांपल है, 10x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 13। दोनों साइड में क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, 10x है तो हमने इधर लिखा 10x, उधर क्या है, 8x, तो हम x x मतलब वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे और नंबर्स को एक साइड करेंगे। जब ये क्या है, 8x प्लस में है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ नहीं है लेकिन ये क्या है, प्लस में है। जब हम इस डिजिट को इक्वल के इधर लेके आएंगे, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये 8x क्या हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, प्लस का 13, इसको ऐसे कैसे यहाँ लिख दिया। जब ये माइनस का 7 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, प्लस का 7। 10x माइनस 8x क्या होता है, जैसे हम नंबर्स को ऐड या माइनस करते हैं वैसे ही वेरिएबल्स को करते हैं। हमारे पास 10x है और 8x है, जब 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इक्वल में 13 प्लस 7 कितने होते हैं, 20 होते हैं, यहाँ पे 20 आ गया। अब हमने पीछे वाले एग्जांपल्स में पढ़ा था कि जब x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या कर देंगे, उसको सॉल्व करने के लिए अपॉन में 2 कर देंगे। इधर भी क्या करेंगे, 20 अपॉन 2।
यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x वेरिएबल बच जाएगा। जब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से हमारी वैल्यू निकली x इज इक्वल्स टू 10। जब हम x की जगह 10 पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशंस जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। कैसे चेक करवाते हैं, जब 10 को मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर -7 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 13। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है, 100। 100 -7 इज इक्वल्स टू 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 80 प्लस 13। 100 -7 कितना हो जाएगा, 93। जब आप 80 में 13 ऐड करोगे तब भी क्या आएगा, 93। यहाँ से ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी इक्वेशन सही है। ये हो गया एक अलग तरह का क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में एक टर्म दूसरी साइड ट्रांसफ़र हो जाती है। आप इसको इस तरह याद रखना कि इसमें ट्रांसफ़र या शिफ्ट होती है। कैसे, अगर यहाँ पे 3x प्लस 4 है तो वेरिएबल तो एक साइड होंगे और नंबर एक साइड हो जाएंगे। तो जब हम 4 को दूसरी साइड मतलब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें सिर्फ हमें चार बातें याद रखनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिजिट प्लस में है तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। अगर कोई डिजिट माइनस में है तो वो दूसरी साइड शिफ्ट होगी तो प्लस में हो जाएगी। अगर कोई डिजिट अपॉन में है मतलब डिवाइड हो रही है, जब वो दूसरी साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी। बस इन्हीं चार बातों पे बेस हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ एग्जांपल लिया 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे x भी आ सकता है, y भी आ सकता है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कुछ भी लिया जा सकता है, y, z, a, b, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2y जब ये टर्म इधर जाएगी, हम इसको क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि दोनों नंबर्स एक साइड होने चाहिए, वेरिएबल्स एक साइड होंगे, तभी हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या है, प्लस 9 में। अब हम ये पढ़े थे कि कोई अगर डिजिट प्लस में हो तो वो दूसरी साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 4 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू, जब हम छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट माइनस करते हैं तो वैल्यू भी क्या आती है, माइनस की, माइनस 5। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, माइनस 5/2। इस तरह हमारी y की वैल्यू आ गई। वापस समझ लो, प्लस की डिजिट उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। 4 माइनस 9 क्या हुआ, माइनस का 5, क्योंकि जब हम छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट माइनस करते हैं तो साइन माइनस का आता है। अब y क्या मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है। 2 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई, हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई को जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो -5/2 इसका आंसर आ गया। तो y की वैल्यू क्या हुई, -5/2। नेक्स्ट टाइप हमने लिया है कि जब इस तरह के हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है, वेरिएबल, हमने इसको ले लिया x/3। बाकी की जो भी टर्म है उनको दूसरी साइड भेज देंगे। यहाँ पे पहले से क्या है, -3/2। जब इस डिजिट को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5/2, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में थी, दूसरी साइड जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, x/3 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों का कॉमन क्या है, 2 है।
यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में भी 2 है और इसके अपॉन में भी 2 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। एलसीएम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अगर इस टाइप की कोई टर्म हो तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1। जब 1 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इससे भी हमने किया, 2 से 2 को डिवाइड करवाया तो क्या आया? 1। 1 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ देखो, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 अपॉन में 2, इधर क्या था? x अपॉन 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x अपॉन 3 इसको ऐसे कैसे रख दिया? माइनस और माइनस की डिजिट क्या होती है? ऐड हो जाती है आपस में। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -5 और -3। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही आता है, क्योंकि जब हम दो माइनस की वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे तो माइनस में ही तो काउंट होगी। तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8। साइन क्या आ जाएगा? माइनस का अपॉन 2। इधर क्या था? x अपॉन 3। अब ये भी अपॉन में है और ये भी अपॉन में है, दो टर्म आ गई हमारे पास। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा था कि अगर कोई वेरिएबल के अपॉन में कोई नंबर हो तो वो जब दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। -8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। एक्स इज इक्वल्स टू 8 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है? 4 आता है। साइन क्या था यहाँ पे? माइनस था। मल्टीप्लाई बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -12। यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -12। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड और नंबर्स को एक साइड। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 और ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 10। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने लिया इधर क्या है? x। राइट हैंड साइड में क्या है? 4 अपॉन 5। जब ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट हो तो यहाँ इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन हो तो वो साइन यूज़ करेंगे, अगर कोई साइन ना हो तो हम उनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 4 अपॉन 5 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस का साइन आएगा, फिर 4 अपॉन 5 10 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे? जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई x। एक्स के बाद में साइन क्या है? प्लस का है। जब हम 4 अपॉन 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 10। एक्स इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 5 प्लस, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 40 अपॉन 5। 4 10 का कितना होता है? 40 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? यहाँ पे एलसीएम में क्या है? 5 ही है, कॉमन नंबर है, तो हमने एलसीएम क्या ले लिया? 5 ले लिया। 4x प्लस 40, ठीक है। अब ये दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि एक वेरिएबल में है और एक नंबर में है। तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं? हमने पढ़ा था कि अगर इधर 5 है, जब हम उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आया? x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 40। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि इस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है? जब x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5x। इधर क्या था? 4x प्लस 40। वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है? 4x है। जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। 5x में से 4x माइनस हुए तो क्या बचा? x। 1x भी लिख सकते हैं इसको और ओनली x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 40। मतलब इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 40 आ गया। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ट्रू इक्वेशन और फॉल्स इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, या फिर
कोई भी टाइप की इक्वेशन हो उसके क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ये सब हमने आज की क्लास में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन से पैरामीटर एरिया किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।